तेरी मुझे फोन करने की हिम्मत कैसे हुई? लिसन, मैंने जीतू को मारने का प्लान बनाया था, लेकिन क्या? मुझे धोखा देके तूने अच्छा नहीं किया। मुझे बेवकूफ बना के तू। मैंने नहीं, जीतू और हीर ने बनाया। क्या मतलब? मैं तो सब कुछ तुम्हारे प्लान के हिसाब से कर रही थी। अगर तुम सब कुछ अपने प्लान के हिसाब से कर रही थी तो वो हीर वहाँ कैसे आ गई और जीता बस के कैसे निकल गया? मुझे नहीं पता, बट मुझे इतना तो पता चल गया यहाँ पे रह के कि तुमने जीते और हीर को कई बार मारने की कोशिश की है और हमेशा नाकाम रहे। तो क्या इसका मतलब ये है कि तुम भी उनके साथ मिले हुए हो? बोलो। I mean, तुझ जैसा कमीना तो मतलब तुम तो इतने होशियार हो, खतरनाक हो। अगर तुम ही ये काम नहीं कर पाए तो मैं तो एक सिंपल सी मॉडल लड़की हूँ, मैं ये काम कैसे कर लूंगी? मेरा तो खून खराबे से दूर दूर तक कोई नाता नहीं है। ऐसे हद है यार, पता नहीं ये दोनों हस्बैंड वाइफ कौन सी संजीवनी बूटी खा के बैठे, हर बार बच जाते हैं। लेकिन अगर तुम मुझे एक चांस दो, मेरे पास एक प्लान है जो शायद काम कर जाए। I mean, एक बार ट्राई कर लो, उसके बाद तुम्हें जो करना है करो। मैं जानता हूँ मैं इन दोनों को मारना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन तुम अचानक से मेरी मदद करने के लिए क्यों मरी जा रही हो इतनी? क्या हो गया ऐसा? वो क्या है ना, मैंने डिसाइड कर लिया है कि दोनों को मारने के जो पैसे तुम मुझे दोगे, मैं उन पैसों के साथ क्या करूँगी। अब मैं सिर्फ मॉडलिंग नहीं, मैं एक फिल्म प्रोड्यूस करूंगी जिसमें मैं हीरोइन बनके बॉलीवुड में एंट्री लूंगी। और अब मेरा सपना पूरा करने के लिए अगर मुझे 2 आंखें बंद भी करनी पड़ती हैं तो मैं करने के लिए तैयार हूँ। पैसा चीज ही ऐसी अच्छे अच्छों की नीयत बिगाड़ देता है। बोलो प्लान क्या है? तुम्हारा काम कर दिया है मैंने। मैं कैसे मान लूं? तुम्हारी आंखें तो हर जगह है ना, खुद चेक करवा लो। मुझे कुछ पता करवाना है, लेकिन थोड़ा संभल के। पापा जी, इस बार मेरा प्लान कामयाब हो जाए, मैं जीते को यकीन दिला दूं कि मैं सच कह रही हूँ।